मेरे उत्तराखंड में पहले से ही मजबूत और सुरक्षित मकान बनाने की परंपरा व तकनीकी अपनाई गई है ताकि आपदा, भूस्खलन और भूकंप से बचा जा सके। आपने कई तरह की आपदाओं पर संस्था की तरफ से काम किया है और कई आपदाएं देखी हैं। तो आपको क्या लगता है कि पहाड़ में कैसे घर होने चाहिए? यदि उत्तराखंड को देखा जाए तो उत्तराखंड बहुत विषम परिस्थिति वाला क्षेत्र है। ये हमारे सारे जो हमारे पूर्वज थे और वो जानते थे कि जो हमारे पहाड़ में किस प्रकार के घर बनाए जाते हैं, जिसके लिए वो लकड़ी के जोड़ इस्तेमाल किया करते थे। परंतु जैसे जैसे विकास हुआ और विकास की रफ्तार बढ़ी तो वो चीज़ें धीरे धीरे हटती गई और अब बाहर का मटेरियल सीमेंट, सरिया और कंक्रीट और ईंट लगाई जा रही है, जो कि हमारे पहाड़ के हिसाब से काफ़ी खतरनाक है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में कम ऊंचाई के घर बनाए जाते थे और उस पर लकड़ी के जोड़ पड़ते थे, जिससे कि वो घर का एक डब्बे की तरह शक्ल लेता था, कि एक डब्बे के आकार में रहता था। भूकंप से कैसे बचा जा सकता है ऐसे मकानों को बना के? इस मकान को जो पहले वाले जो मिस्त्री थे, पुराने मिस्त्री, उन्होंने काफी चौड़ी चौड़ी दीवारें बना रखी है, पत्थरों का जोड़ और तोड़ इस ढंग से लगाते हैं कि ताकि उसमें मकान में कोई दरार ना आने पाए, मकान गिरने ना पाए। और इस ढंग से उनकी बड़ी कलाकृतियाँ होती हैं, जो पुराने पत्थर वाले मिस्त्री होते हैं उनकी ही बदौलत है कि आज कोई भी ऐसी पुराने मकान है उनमें कोई दरार या ऐसी भूकंप से कोई नुकसान को नहीं हुआ है। ये जो छोटे छोटे झरोके हैं इस पे पूरे लकड़ी का काम हो रखा है, जो कि मकान को भूकंप अवरोधी बनाता है और साथ ही साथ इस पूरे मकान को मजबूती भी देता है। इसमें जो लकड़ियाँ होती हैं ये अलग अलग पल्ले इसके बना दिए जाते हैं और उसके बाद इसमें जो है इनको एक साथ लकड़ी के कील से इसको जोड़ दिया जाता है और इतने मजबूती से जोड़ दिए जाते हैं कि इसमें अगर कभी भूकंप का कोई झटका लगे वो नहीं लग पाता है, क्योंकि इसके जो चारों कोने एक दूसरे से सटे हुए होते हैं और इनका जो नीचे से ऊपर तक एक लकड़ी होती है और इधर से जो दाएं से दाएं को जो लकड़ियाँ जाती हैं वो भी जो है आपस में जुड़ी होती हैं, और अगर इसमें कभी कोई झटका लगे भूकंप वगैरह का तो इसमें कभी भी इसमें कोई खतरा होने का। इंडिया अनहर्ड के लिए गैरसैन उत्तराखंड से मैं लक्ष्मी नौटियाल।